जोधपुर में कोरोना वायरस के विस्फोटक आंकड़े प्रतिदिन चौंकाने वाले आ रहे हैं। यहां 24 घंटे में 105 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिनमें 30 STCBSF के जवान भी शामिल हैं। इसका खुलासा एम्स की रिपोर्ट में किया गया है। ये जवान दिल्ली के चांदनी चौक और जामा मस्जिद क्षेत्र में तैनात थे। इन सभी जवानों को जोधपुर के STCBSF हेडक्वार्टर में रखा गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना फैलता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। और आज सुबह की प्राप्त जो मेडिकल कॉलेज की सूचना पे 45 केसेस नए आए हैं और एम्स की लिस्ट में 61 आए हैं और डीमास की आनी है, टोटल करीब 868 हो गए। सर, इसमें अभी एम्स की जो लिस्ट आई उसमें BSF के जवान आए हैं? जी हाँ। कितने जवान आए हैं, क्या है इसमें? 61 में से 29 BSF के जवानों का आया है और अभी आगे की जो है DMRC की आनी बाकी है, फिर देखते हैं लेटर सी हाउस डे में कितने होते हैं शाम तक। जोधपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। BSF के जवान भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जोधपुर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव जोधपुर से सामने आए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे जोधपुर संवाददाता दयाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दयाल, क्या कुछ अपडेट है? लगातार विस्फोटक संख्या देखने को मिल रही है जोधपुर से। देखिए आशीष, बताना चाहूंगा आज का जो आंकड़े की बात करें तो जोधपुर में 106 मरीजों की रिपोर्ट जो है COVID-19 पॉजिटिव आई है। साथ ही बताना चाहूंगा जो BSF के जवान दिल्ली में चांदनी चौक और क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात थे, उनको जोधपुर में क्वारंटाइन किया गया था BSF के जो कैंप्स है वहां पर, तो वहां से आज जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है 30 जो BSF के जवान है उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। एम्स में उनकी जांच करवाई गई थी, वहां से ये रिपोर्ट आज मिली थी सवेरे की रिपोर्ट में, और 30 पॉजिटिव बनाए गए थे। जी अब तक 794 करीब 800 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं, बड़ा आंकड़ा है। राजधानी जयपुर के बाद अगर सबसे बड़ा कोरोना का विस्फोट अगर हुआ है तो वो जोधपुर में हुआ है। ऐसे में बड़ी चिंता की बात है। क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही है? निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये 3.0 मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है, तब से यहाँ जोधपुर में विस्फोटक स्थिति सामने आ रही है। साथ ही प्रशासन ने पूर्णतः लॉकडाउन की पालना के लिए भी कमर कस रखी है, लेकिन कहा जा सकता है जिस तरह से विस्फोटक स्थिति अभी सामने आंकड़ों की आई है उसे कोरोना फैलने की संभावनाएं अधिक बढ़ती जा रही है। प्रशासन को निश्चित तौर पर कड़े कदम अब उठाने चाहिए इसको लेकर। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे जोधपुर संवाददाता दयाल सिंह, जिन्होंने आवश्यकता जताई है कि जोधपुर में कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जो प्रशासन के द्वारा ढील दी गई है, कहीं न कहीं कोरोना विस्फोटक संख्या जो निकल कर के आ रही है, तो ये ढिलाई कहीं न कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है।